हेलो गाइस, आपने आलू तो बहुत तरीके के खाए होंगे। आलू की सब्जियाँ तरह तरह की बनती हैं, लेकिन आज आपको हम दम आलू की रेसिपी बनाना सिखाएंगे। खोए वाले दम आलू कैसे बनते हैं, घर पे आप इजीली इसको कैसे बना सकते हैं, उसके लिए सबसे पहले आपको इंग्रेडिएंट्स बताते हैं। और इंग्रेडिएंट्स तो सबसे पहले आप ऐसे मीडियम आकार के आलू के लिए सबसे पहले आपको ऐसे गोल आलू लेने हैं और मीडियम साइज के। जैसे मैं चार लोगों के लिए बना रही हूँ तो मैं आठ आलू ले रही हूँ, और दो बड़े प्याज और दो टमाटर और हरी मिर्च और धनिया। दम आलू के लिए सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है खोया। मैंने यहाँ आठ आलू के लिए 100 ग्राम खोया लिया है। और काजू चाहिए, थोड़ा सा दही चाहिए, और खड़े मसाले चाहिए जैसे काली मिर्च, जीरा, धनिया, इलायची, दालचीनी और तेजपत्ता और लौंग। आपको हल्दी, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर चाहिए, और उसके साथ आपको कश्मीरी लाल पाउडर चाहिए और जिंजर गार्लिक पेस्ट और एवरेस्ट की हींग। सबसे पहले हम लोग आलू को पील कर लेंगे पीलर से। मैंने ये आलू पील करके अच्छे से साफ़ पानी से साफ़ कर लिए हैं। आप आलू थोड़ा साफ कीजिए, इस स्कूप की ज़रूरत पड़ेगी। ये स्कूप आपको इजीली कहीं भी अवेलेबल हो जाएगा, जैसे सुपरमार्केट में या ऑनलाइन भी अवेलेबल हो जाएगा, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, कहीं से भी आप ये ले सकते हैं। और इससे अब आपको जाएगा, अब आपको इससे इस तरीके से आलू को अंदर से पूरे आलू को खाली कर लेना है, खोखला कर लेना है। देखिए इस तरह से, और ये आपको संभाल के रख लेना है क्योंकि इसी को ऊपर से ढकेंगे। देखिए आपको ऐसे इस आलू को अंदर से पूरा खाली कर लेना है, और उसका अंदर का सारी चीज़ें वो भी आपको संभाल के रख लेनी है, इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। और ये चीज़ आपको सबसे पहले निकली हुई चीज़ों को आपको संभाल के रखना है, इससे आप आलू को बंद कर सकेंगे अंदर तक। फ्रेंड्स, अब ऐसे आपको सारे आलू अंदर से खाली करके रख लेने हैं, जैसे मैंने यहाँ पे रख लिए हैं, सारे आलू खाली कर लेने हैं। और ये अंदर से निकला हुआ सारा मटेरियल भी आपको संभाल के रख लेना है, इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। अब आपको ये सारे आलू को डीप फ्राई कर लेना है गरम तेल में। I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one, yeah, yeah. चलिए फ्रेंड्स, अब दम आलू की स्टफिंग के लिए मसाला तैयार करते हैं। उसके लिए आप खड़ी के उसमें थोड़ा तेल डाल लेंगे। इसमें तेल डालकर गरम कर लें। तेल गरम होने के बाद आप एक थोड़ा सा जीरा डाल देंगे, प्याज डाल दें कटा हुआ, गोल्डन ब्राउन होने तक, हल्का गोल्डन ब्राउन होने के बाद इसमें आप हरी मिर्ची डाल देंगे। थोड़े काजू, अच्छे से इसे रोस्ट कर लें। अब इसमें टमाटर कटे हुए दो टमाटर डालेंगे। आप ये मसाला अच्छे से थोड़ा पानी डालकर आप अच्छे से कुक कर लें। अब
अभी ये अच्छे से फ्राई हो गया है, गैस बंद करके इसे ठंडा कर लेंगे और ठंडा होने के बाद इसे फाइन पेस्ट कर लेंगे इसका। फ्रेंड्स अब ये ठंडा हो गया है, अब मैं इसे मिक्सी में डाल के ग्राइंड कर ऐसे एकदम फाइन पेस्ट कर लें। के बाद इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे। अब इसमें फाइन पेस्ट डाल देंगे। वन टीस्पून हल्दी पाउडर, टीस्पून मिर्ची पाउडर और 1 टीस्पून धनिया पाउडर और उसके बाद 1/2 टीस्पून गरम मसाला डाल देंगे। अब ये मसाले डालने के बाद इसमें थोड़ा सा कश्मीरी पाउडर डालेंगे जिससे कलर बहुत अच्छा आएगा। ऐसे मैंने सारे आलू भर लेने हैं। मैंने इसे स्टफिंग कर लेनी और उसके बाद इसका यूज है इसकी स्टफिंग को टोपी लगाने का। फ्रेंड्स मैंने ऐसे सारे आलू भर लिए और इनकी कैप लगा दी है। फ्रेंड्स हमारे आलू वैसे तैयार हो गए हैं, खाने के लिए बिल्कुल रेडी है, लेकिन मैं इसमें इसको ग्रेवी में डालूंगी। थोड़े से ग्रेवी मेरी बची हुई है, वो ग्रेवी में डाल के आपको और अच्छे फ्लेवर मिलेंगे। तो मैं ग्रेवी रखी है उसमें थोड़ा सा पानी लगाऊंगी। फ्रेंड्स ग्रेवी के ग्रेवी में अब ये बचे हुए आलू डाल दें। देखिए ग्रेवी ने ऑयल छोड़ दिया है और अब हमारे दम आलू बनकर तैयार है। अब आप इसकी गार्निशिंग करके गरम गरम भटूरों के साथ भी सर्व कर सकते हैं या चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो। तंदूरी रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं।